नमस्कार दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथी रिजर्व, बाघ रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व तीनों है? ऑप्शन ए मानस टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी कान्हा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर और कमेंट करिए, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए मानस टाइगर रिजर्व। मानस टाइगर रिजर्व असम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेघा ट्रॉपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी पोलैंड। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए और कमेंट करिए सही उत्तर, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांस। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेघा ट्रॉपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र फ्रांस में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मैलाथियान क्या है? ऑप्शन ए रंजक, ऑप्शन बी कीटनाशक, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए और कमेंट करिए सही उत्तर, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। ऑप्शन बी कीटनाशक। मैलाथियन एक कीटनाशक है, इसका रासायनिक सूत्र C10H19O6PS2, C10, H19O6PS2, C10H19O6PS2, C10H19O6PS2। ठीक है, होता है। अगला क्वेश्चन, शहतूत साल की गुणवत्ता और मांग के कारण कौन सी प्रजाति खतरे में आ गई है? ठीक है, ऑप्शन ए ब्लैक बक, ऑप्शन बी चीरू, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी चीरू। शहतूत साल की गुणवत्ता और मांग के कारण चीरू प्रजाति खतरे में है आ गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सत्यमंगलम वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है।
चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। सत्यमंगलम वन्य जीव अभयारण्य तमिलनाडु में है। यह पश्चिमी घाट में है। इसका क्षेत्रफल 1412 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, अगला क्वेश्चन। भारत में कितने जैव भौगोलिक प्रक्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। ये क्वेश्चन रिपीटेड है किसी अगली वीडियो या किसी वीडियो में है, आप इसको गलत नहीं कर सकते हैं अगर आपने उस वीडियो को देखा है। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी 10। भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र, डिजर्ट जोन, सेमरीत जोन, पश्चिमी घाट जोन, डेक्कन पठार क्षेत्र, गंगा के मैदान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तट रेखा के समीप तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देओमाली एलिफेंट रिजर्व किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देओमाली एलिफेंट रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्गन पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है। यह किस समस्थानिक के विघटन से बनता है? ठीक है, ऑप्शन ए K40, ऑप्शन बी Ca40, ऑप्शन सी Ca48, ऑप्शन डी K41। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए K40। आर्गन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा पाए सॉरी आर्गन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली गैस है। यह 0.93% पाई जाती है। यह K40 के विघटन से बनती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप दोबारा पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन लेवी क्या है? ऑप्शन ए जेट और लगने वाला कर, ऑप्शन बी पेट्रोल पर लगने वाला कर, ऑप्शन सी कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जेट पर लगने वाला कर है वो, और नहीं है, सॉरी मिस प्रिंट के लिए। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर। कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर को कार्बन लेवी कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई? ऑप्शन ए
नागोया प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी जेनेवा प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी क्वेटो प्रोटोकॉल। ठीक है, 10 सेकेंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए नागोया प्रोटोकॉल। वर्ल्ड ओजोन डे या विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 को हुई। ये क्या ओजोन डे, सॉरी वो ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन बी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ऑप्शन ए नहीं है, माफ़ी चाहूँगा मिस प्रिंट के लिए। पूरे होते हैं इस वीडियो के 10 क्वेश्चन। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।